तक आ सकता है, ठीक है। अब रही बात कि आपके पास स्टॉक है, तो आपके पास ये पिछले हफ्ते के थ्योरी पे ही ये सेल चल रहा है, तो पिछले हफ्ते हमने नहीं बेचा, तो ये बॉटम बनने के टाइम में बेचना गलत है। अभी नहीं बेचना, ये पिछले हफ्ते भी ब्रेकडाउन में था सारे पीएसयू बैंकों का, देखिए पिछले हफ्ते ब्रेकडाउन, इस हफ्ते बॉटम बनने का चांस है, तो फिर ये दूसरा तीसरा वीक है, फर्स्ट वीक में सर। लेकिन अपने को पिछले मंथ का भी, पिछले टाइम का भी दिमाग में रहना चाहिए कि वो ब्रेकडाउन में था। कुछ नहीं, आप उस नहीं भी है वो, तो मैंने थोड़ी समझाया कि तीन हफ्ते का एक ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, तो मतलब इस हफ्ते वो बॉटम बना सकता है, बॉटम बना सकता है, तो हमको इस हफ्ते वेट करना है कहाँ बॉटम मिलेगा इस स्टॉक, इस स्टॉक के लिए। लेकिन हम उससे, हमको कुछ नहीं पता, हम अनारी आदमी है, हमें भैया आपको 88.93 के नीचे बंद हो रहा है तो हमको इसको भेजना है, टारगेट जो होगा 86.25 का होगा, अगर 82.20 आ गया तो हम इसको बाई कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट कवर करेंगे, यहाँ शॉर्ट करेंगे, यहाँ शॉर्ट कवर करेंगे। आप जो बोले कि टारगेट 1 के नीचे बेचेंगे, टारगेट 4 के नीचे कवर नहीं करेंगे, क्यों नहीं कवर करेंगे, हम सेकेंड हाफ तक देखेंगे कि ये बंद कहाँ हो रहा है, इसके नीचे बंद हो रहा है तो कहीं ना कहीं, और इसके आसपास अगर ये रिवर्स होने लगे, अगर आप बेचे हो तो 1 रुपए के लिए थोड़ी बेचोगे, आप बेचे